किसानों के द्वारा दिल्ली में बैरिकेड तोड़ते हुए लाल किले में घुसने और तोड़फोड़ के साथ प्रदर्शन करने पर पूरे देश के लोग हैरान हैं। देश के अन्नदाता के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना कहां तक सही है, यही सवाल सभी के जहन में उठ रहा है। वहीं देखा जाए तो प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेताओं के द्वारा रैली निकालने के पहले कि सरकार को किसी भी प्रकार का उपद्रव न होने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर भी आज किसानों के द्वारा उपद्रव करते हुए लाल किले में घुसे और पुलिस पर भी हमला किया। इसी मामले पर हमने विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन गंगोरिया से किसानों के द्वारा किए गए इस उपद्रव के बारे में चर्चा की, तो उनका कहना है कि यह किसानों का आक्रोश है, इसके साथ ही सरकार पर हठधर्मिता करने का आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा विधायक सुशील तिवारी ने कहा कि किसानों का नेतृत्व करने वाले नेताओं की नीयत पर पहले ही शक था। लगभग 2 महीने से आंदोलनरत हैं और इतनी बड़ी तादाद में यदि किसान दिल्ली में जमा है तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में वहाँ एकत्रित हुआ है। और ये सरकार की हठधर्मिता है कि यदि 60 दिन के अंदर भी सरकार किसानों के उस भाव को नहीं समझ पाई, उस मूल ज़रूरत को नहीं समझ पाई कि हिंदुस्तान भर का किसान अपनी मांगों को लेके अड़ा है, और वो किसान जिसको न केवल देश बल्कि दुनिया की आत्मा माना जाता है और अपनी वाजिब मांग के लिए अड़े हैं। लंबे समय तक जब आंदोलन होता है तो ये सरकार के रवैये पे जिम्मेदारी आती है कि वो आंदोलन को किस रूप में कैसे ले जाके ख़त्म करवाए। इतने दौर की बैठ के बेनतीजा हुई, सरकार कहीं गंभीर नहीं है इस मसले में। सरकार को हठधर्मिता त्यागना चाहिए और किसानों की बात को सुनना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से वो पुलिस पे हमला करते दिख रहे हैं, लगातार वहाँ पर लाठी डंडे सब कुछ बरसा रहे हैं, लाल किले पर चढ़ गए हैं और वहाँ पर झंडा जो है वो निकालकर अपना झंडा लगा रहे हैं, एक स्वाभाविक सा आक्रोश। इतने दिनों में सरकार जब कुछ नहीं कर रही और अन्नदाता जब परेशान है तो आम जनमानस कितना परेशान होगा, और ये एक स्वाभाविक आक्रोश है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया भी है, कहीं किसानों के साथ भी तानाशाही और जाति हो रही, तो लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और ये संजीदगी, ये गंभीरता सरकार में बैठे लोगों की होना थी कि उन इस नौबत पे ये आंदोलन आ ही ना पाए, उसके पहले ख़त्म कर दें। उन्हीं पे संदेह पहले दिन से ही था, और जब वो उस कानून को वापस लेने की बात कर रहे थे और उसको वापस लेने के कोई तर्क नहीं बता रहे थे तो उनकी नीयत पे पहले ही शक हो गया था। पर वो लगातार 26 जनवरी में अपनी रैली निकालने के लिए और दिल्ली पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे। मैं समझता हूं कि ये होना ही था, और कि जो किसान के नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं वो इसी प्रकार का वक्तव्य देंगे कि वो हमारे लोग नहीं थे। ये सारी बातें सुनियोजित तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। तो आप माफ़ी मांग रहे हैं देश से कि हम देश से माफ़ी मांगते हैं किस टाइप का घटना? वो उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा क्या है, उनने तो जो करना था वो घटना कर दी, देश को शर्मसार करने का काम उन्होंने किया है। अब माफ़ी मांगने से क्या होता है, माफ़ी पहले मांगते, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि उनने वास्तव में जो कृत्य किया है वो शायद इस जन्म तो माफ होने लायक नहीं है। दूसरी ओर राहुल गांधी की भी बयान आ रहे हैं कि ये गंदगी है, लेकिन उन्होंने कहा किसान को आंदोलन करना नहीं होता, तो वापस ले लेना था कानून। अब वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और अगर मान लो ये आंदोलन की हिंसा को यदि वो भड़काने का काम अगर ना करें तो मैं समझता हूँ कि देश हित में सबसे बड़ी बात यही होगी। दिल्ली में जो घटना हुई कलंकित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मेरा मत है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जिन लोगों ने आज 26 जनवरी के दिन हमारे गणतंत्र दिवस पर इस प्रकार की निम्न स्तरीय हरकत की है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे उन किसान नेताओं पे जो अब पलड़ा झाड़ रहे हैं? शांति की बात कर रहे थे, अशांति की स्थिति क्यों निर्मित की उनने? दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई तो पल्ला झाड़ रहे।
अब तो पल्ला झाड़ रहे कि वो हमारे आदमी नहीं थे। मेरा कहना पल्ला झाड़ें चाहे कुछ करें, घटना तो बहुत बड़ी हो गई है और पुलिस भी निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेगी। अब राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है कि उन्होंने कहा है कि हम शर्मिंदा हैं, निंदा करते हैं ऐसे लोगों की, और उसके बाद उन्होंने कहा है काला कानून के नाम से वापस किसान कानून को वापस ले लेना। अब राहुल गांधी शर्मिंदा ही रहे तो बेहतर है, उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। आपका क्या संदेश है, आप अपने मध्य प्रदेश के किसानों से क्या कहना चाहते हैं? मेरा सभी से कहना है कि कानून के हिसाब से चलें, शांति से बात करें और अपना हल निकालें।